हेलो एवरीवन, सो आज के वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आप सैमसंग टीवी में न्यू म्यूजिक सिस्टम का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। तो सबसे इस पहले इसको यूज़ करने के लिए आपको इस ऐप को अपडेट करना होगा। अपडेट करने से पहले आप इस टीवी को इंटरनेट में कनेक्ट कर लें, और नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए आप नेटवर्क सेटिंग में जा करके आप नेट को कनेक्ट कर लें। उसके बाद आपको क्या जानी, ऐप स्टोर पर जानी है, और यहाँ पे आपको ट्यून स्टेशन जो ऐप है इसको आपको अपडेट करनी है। सो अपडेट करने के लिए आपको जानी है सेटिंग में, और यहाँ पे आपको ऐप सेलेक्ट करनी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्यून स्टेशन, और इसको रीइंस्टॉल ऊपर जाकर क्या करनी है, इसको अपडेट करनी है। सो देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज आपको दिख रहा होगा, ये 100% होने के बाद ये अपडेट पूरी तरीके से ये ऐप अपडेट हो जाएगी। अपडेट होने के बाद आपको न्यू बेनिफिट्स मिल जाएंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सो हम यहाँ पे ट्यून स्टेशन ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ट्यून स्टेशन ऐप जो है ये ओपन हो रहा है, और ये जो है न्यू विनाइल थीम वो ऐड हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे तीन तरीके से सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, गाना, एप्लीकेशन, ब्लूटूथ एंड USB के थ्रू। तो यहाँ पे देख सकते हैं चार आपका थीम दिख रहा है, मॉडर्न, विनाइल, रेट्रो एंड विंटेज। तो थीम चेंज करने के लिए थीम के ऊपर जाएं, यहाँ पे मॉडर्न अगर सेट करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं आपका मॉडर्न है। सेकंड जो आपका विनाइल जो न्यू एडेड है, थर्ड जो हो गया आपका रेट्रो, फोर्थ हो गया आपका विंटेज। तो यहाँ पे शोकेस यूज करने के लिए शोकेस के ऊपर जाएं, और यहाँ पे देख सकते हैं तीन न्यू आपका शोकेस ये ऐड हुआ है, फायर प्लेस, जेलीफिश और बीच एक्वेरियम सेल्फ और विंडो, ये पहले से था। तो ये देख सकते हैं आपका फायर प्लेस जो आपका होम डेकोर पे इन्हांस कर सकता है, जिसको यूज कर सकते हैं आप। दूसरा जो हो गया आपका जेलीफिश, तीसरा पॉक है बीच। तो यहाँ पे सेम आपको फील होगा जैसे आपके पास बीच के सामने आप हो। ये रहा आपका एक्वेरियम सेल्फ, और लास्ट जो है विंडो। तो यहाँ पे आपने चार थीम और 6 शोकेस डिजाइन देखा, ये सभी को यूज़ करके आप अपने होम डेकोर को इन्हांस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।